जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन एयरफोर्स पर। देखिए दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एयरफोर्स वाई ग्रुप रागा का पैटर्न बेस्ड प्रैक्टिस सेट 2। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी आपके एग्जाम तक। और आज से आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको इसकी PDF रोजाना मिल जाया करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूं कि जो भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि ये कंटिन्यू रहेगी सीरीज। और पिछले वीडियो में मैं ये बताना भूल गया था कि आप कमेंट करके बताओ कि कितना स्कोर रहा। तो इस वीडियो में आपको अपना कमेंट करके अपना स्कोर बताना है कि कितना स्कोर रहा, और साथ ही आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि मुझे क्या बेटर करना चाहिए। और तो आपके व्यू है जो आप कुछ भी दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, GK एंड करंट अफेयर, इसके क्वेश्चन होते हैं 9 से 10 आपके एग्जाम में, और रीजनिंग व मैथमेटिक्स के। तो पहला क्वेश्चन है, USB का विस्तार रूप है। तो देखिए, USB का फुल फॉर्म होती है ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये सीरियल डबल बार लिख गया है, तो सॉरी इसके लिए, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पॉज करके आप अपना उत्तर चूज कीजिए और बाद में मैच कीजिए। सर्दियों में पेंडुलम के आवर्तकाल में परिवर्तन होता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आ भी चुका है एयरफोर्स के। तो सर्दियों में पेंडुलम, पेंडुलम जो घड़ियों में लगा होता है उसी की बात है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घटता है। देखिए, सर्दियों में जो पेंडुलम है वो सिकुड़ता है, और वो सिकुड़ने के कारण उसका आवर्त जो होता है वो जल्दी करता है। जो अपना आवर्त जल्दी करता है तो उसका आवर्तकाल यानी जो समय लगता है वो घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैडम ब्लावस्की व कर्नल अलकांट। देखिए दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिस भी टॉपिक से मिलेंगे, वो उसी पैटर्न पे आधारित होंगे जितने क्वेश्चन और जिस टॉपिक से जिस लेवल के एग्जाम में आते हैं उसी पे। आप बिल्कुल भी इस बात की टेंशन ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको महाद्वीपों का क्रम बताना है बड़े आधार पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप व उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुच्छेद 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6। देखिए, अनुच्छेद 19 के तहत हमें बोलने की, कहीं भी चलने की, घूमने की, फिरने की, कोई भी व्यापार व आजीविका चलाने की, ये सभी प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 16 महाजनपदों की जानकारी प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है जो संबंधित है। देखिए, 16 महाजनपदों की जानकारी अंगुत्तर निकाय से मिलती है जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो मिसलेनियस से आपके एक क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ओडिशा। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है। तो CM व राज्यपाल से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, तो ये तो आपको कन्फर्म करना ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्यदेव नारायण आर्य। ये वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी हुए हैं
और इससे क्वेश्चन बनने की 100% मतलब चांस है। तो आप इसे भी कंफर्म कर लें, महिला ओपन व पुलिस व पुरुष ओपन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोफिया कैनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ? तो हाल ही में बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत व सिंगापुर और इंडिया के झांसी में हुआ है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से है, यदि 8*2=61, 8*5=04, तो 8*10 = क्या होगा? आप वीडियो को पॉज करके आंसर कीजिए और आंसर अपना आंसर करने के बाद आंसर को मैच कीजिए और स्कोर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, धन्यवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 08। देखिए ये कैसे होगा, यहाँ पे 8*2 दिया गया है, तो 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा, उसको उल्टा करके 61 लिख दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है 8*5, तो 8×5=40, तो 40 को उल्टा करके 04 लिख दिया गया है। उसी प्रकार से 8×10 यानी 80 को उल्टा करके 08 लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से, कोडिंग डिकोडिंग से एक या दो क्वेश्चन कंफर्म आते हैं एग्जाम में। तो यदि एप्पल को CJJK, वाई को MSN लिखा जाता है तो YAE को क्या लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NCK। देखिए इसमें अक्षर का अक्षर से कोड किया गया है, यानी ए को सी लिखा गया है, PP यानी पी को जी लिखा गया है, एल को जे और ई को के लिखा गया है। उसी प्रकार से वाई में बी को एम, ओ को एस, वाई को एन लिखा गया है। तो उन्हीं का कोड निकाल के हम YAE का कोड निकाल देंगे। वाई को एन लिखा गया है तो एन, ए को सी लिखा गया है तो सी, और ई को के, तो NCK राइट आंसर हो जाएगा। इस पे बेस्ट भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ग्रेचुलेशन शब्द का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ध्यान ये रखना है कि लास्ट में क्या दिया गया है, नहीं बनाया जा सकता या बनाया जा सकता है, क्योंकि इसी में जल्दबाजी में थोड़ा गलत हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उसमें ई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्शन टेस्ट से है, राम अपने स्थान से 4 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। तो राम 4 किलोमीटर दक्षिण में जाता है तथा फिर 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है, 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है। तो अब राम को अपने घर जाने के लिए कम से कम कितना किलोमीटर जाना पड़ेगा? तो जब आपको न्यूनतम या कम से कम दूरी पूछे तो न्यूनतम दूरी इस प्रकार से आएगी। तो न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए ये हो गया एक समकोण त्रिभुज, तो इसका हो जाएगा एक कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब, तो 4 और 3 यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16 + 9 = 25। तो 25 5 का स्क्वायर है तो इसका विकर्ण हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार सीधी सरल रेखा में होंगी? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 22 बार। वो कैसे? देखिए सरल रेखा यानी सीधी रेखा में पूछा है तो 180 डिग्री का और 360 डिग्री का दोनों ही कोण बनाते समय घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में यानी एक एक सीधी रेखा में होती हैं। तो 11 बार 180 डिग्री कोण बनाती हैं तब, और 11 बारी 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाते वक्त सीधी रेखा में होती हैं। तो दोनों को मिला के 22 बार 12 घंटे में सीधी रेखा में हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर सी को दे 16 को देखते हैं, इसमें आपको डिफरेंट छांटना है, बेमेल, शुतुरमुर्ग, जिराफ, कुत्ता और गाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शुतुरमुर्ग। देखिए शुतुरमुर्ग एक पक्षी की कैटेगरी में आता है, जबकि जिराफ, कुत्ता और गाय ये एनिमल हैं, तो जानवर की कैटेगरी में आते हैं। देखिए दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिए देखिए कीजिए, क्योंकि भाई इसमें बहुत मतलब मेहनत तो बहुत लगती है लेकिन ये कंटिन्यू रहेगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6 को 41, 6 को 41, 10 को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए इसमें क्या किया गया है, 6 का स्क्वायर,
36 प्लस 5 यानी 41, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5 यानी 105, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें ये चार शब्द दिए गए हैं, इसमें शब्द कोश के अनुसार आपको तीसरे नंबर पर जो शब्द आता है वो बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ओडियम जो दिया गया है वो तीसरे नंबर पर आएगा डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो देखिए इसमें ओ तो सब में सेम है, ओ के बाद में डी आया है, आर आया है और सी आया है, तो ऑप्शन नंबर डी में ओ के बाद में सी है जो कि सबसे पहले आता है, तो डी तो एक नंबर पे आ जाएगा, फिर बात बी व सी के बीच में, उसमें दोनों में डी है, डी के बाद पे आई सेम है, आई के बाद में एक में ओ है बी में और सी में यू है, तो यू से पहले ओ आएगा तो बी दो नंबर पे आ जाएगा और सी तीन नंबर पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैथ से है क्वेश्चन। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स वाई का 90% है तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत है। देखिए ये कैसे होगा, मान लीजिए एक्स और वाई यानी वाई 100 है और एक्स वाई का 90% है, 90, तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत है यानी वाई 100 और एक्स का 90 का कितना प्रतिशत, प्रतिशत के लिए गुणा 100, इसको काट पिट के करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए यानी 111.1 आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 28 लीटर दूध व पानी का अनुपात 5:2 है, यदि मिश्रण में 2 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अनुपात क्या होगा। देखिए अनुपात 5:2 है और टोटल अनुपात है 7, हमें दिया है दूध 28 लीटर, तो 7 × 28 यानी एक इकाई का मान 4 हो गया, तो 4×5=20 दूध है और 8 पानी है। अब जब इसमें 2 लीटर पानी यानी 10 हो जाएगा तो ये हो जाएगा अनुपात 2:1 यानी 2:1 नया अनुपात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि टाइम एंड वर्क से है। क्वेश्चन क्या है, 24 आदमी 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो 36 आदमी 12 घंटे काम करते हुए उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यदि 24 आदमी, तो इसे आप MDH वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, MDH यानी MDH बराबर MDH, एक तरफ एक का मान रख दो दूसरी तरफ दूसरी का मान रख दो, तो M यानी मन, M यानी आदमी कितने आदमी लगे हैं, D यानी दिन कितने दिनों में करते हैं और H यानी हावर कितने घंटों में करते हैं। तो 24 आदमी 8 घंटे काम करते हुए किस 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो 36 आदमी 12 घंटे काम करके कितने में करेंगे, तो बराबर में कट जाएगा, 12 से 24 दो बार कट जाएगा और 18 से 36 दो बार कट जाएगा, 2 से 2 तो बचा 8 यानी 8 दिन में कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 23। 30 मीटर कपड़े का मूल्य 345 रुपया है, तो 16 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। देखिए 30 मीटर कपड़े का मूल्य 345 है यानी 345/30 गुणा 16, तो इसको काटने पर राइट आंसर आएगा आपके पास 184 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि मेंसुरेशन से है। एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए तथा आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा यानी क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 12% बढ़ेगा। देखिए इसको कैसे करेंगे, एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100 इस सूत्र से करेंगे, तो एक्स यानी 40% बढ़ाया है तो प्लस 40, 20% कम माइनस 20 और फिर प्लस 40 एक्स वाई गुणा में माइनस 20 बटा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 4×2=8 और इसमें 40 में से 20 कटाएंगे तो 20, तो प्लस माइनस ही माइनस हो जाएगा, माइनस के 8 यानी 12% प्लस के 12 प्लस के यानी वृद्धि, तो 12% बढ़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये रूट से क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। देखिए इसमें क्या किया गया है, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6, ये अनंत तक जा रहा है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई भी अंडर रूट में संख्या अनंत तक जाए, तो उसमें हमें क्या करना है कि उस संख्या के दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका अंतर एक हो। तो इसका हो जाएगा 2 × 3, अंतर एक है और 2 × 3 यानी 6। तो जब बीच में साइन प्लस का हो, इनमें प्लस का है तो बड़ा आंसर, और जब माइनस का साइन हो तो छोटा आंसर। तो इसमें आंसर आंसर 3 हो जाएगा, जो कि दिया नहीं गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसका PDF आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो 5, 7, 2 इसमें दिया गया है, तो मैं राइट आंसर बताता हूँ आपको। देखिए इसमें क्या किया गया है, 5 का स्क्वायर यानी 25 और 6 का स्क्वायर 36, इनको ऐड किया गया है और 61 लिख दिया गया है। उसी प्रकार से आपको 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 4 × 3 9 9 4 13, तो राइट आंसर हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एनोलॉजी से क्वेश्चन है। देखिए फिगर रिलेटेड क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, एक वेन डायग्राम और 4 अन्य। तो उस पर मैंने बेस्ड प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ, और एग्जाम बिल्कुल एग्जाम के जैसा आपको एग्जाम में लगेगा कि बिल्कुल एग्जाम जैसा ही पढ़ाया है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें भाई को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। इसमें क्या किया गया है कि जो वृत्त है उसके अंदर ये षड्भुज है, उसमें नेक्स्ट में षड्भुज को बाहर निकाल के ये वृत्त को अंदर कर दिया गया है। उसी प्रकार से त्रिभुज जो है उसके अंदर पंचभुज है, तो पंचभुज को बाहर निकाल के त्रिभुज को अंदर कर दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए उसमें आपको एंगल भी ध्यान रखना है, मतलब किस तरह मुख है तो उसी तरफ मुख रहेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28। असंगत चुनिए, इसमें आपको डिफरेंट चुनना है, LAKS। तो राइट आंसर बताता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी L। देखिए इसमें क्या किया गया है, L जो कि 12 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, K 11 नंबर पे आता है, और S 19 नंबर पे आता है। तो 19, 11 और 1 तीनों विषम संख्याएं हैं, और जबकि 12 इवन यानी सम संख्या है। तो राइट आंसर L हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। देखिए आप कमेंट में ये ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए अच्छे और भी बेटर के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सीरीज से पूछा गया है। तो इसमें देखिए क्या किया गया है कि जो ये एरो है, बड़ा एरो है जो 4 नंबर पे है, उसको 1 नंबर पे लाके सबको राइट में दखेल दिया। इसने ये एरो है जो यहाँ पे राइट में आ गया और इसको दखेल दिया। फिर उसके बाद जो 4 नंबर, उसके बाद जो 2 नंबर है, जो 2 नंबर का है, ये 4 नंबर पे जाके सबको लेफ्ट में दखेल रहा है। उसके बाद जो 2 नंबर है, जो 3 नंबर की संख्या वाला है, ये जो राइट लेफ्ट में जाके सबको दखेल रहा है यहाँ पे। तो ये सीरीज आगे भी कंटिन्यू रहेगी। तो जो ये डी नंबर पे है, डी पे, ये आगे जाके सबको राइट में दखेल देगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए 2 एरो हैं, इन 2 एरो में थोड़ा सा डिफरेंट है, एक बंद है एक खुला है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है 100%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आरेख विद्यार्थी लड़का व लड़की को दर्शाता है? तो आप क्वेश्चन कीजिए राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए सी नहीं होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लड़का और लड़की विद्यार्थी हो सकते हैं, लड़का और लड़की विद्यार्थी हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि
कि सभी लड़के और सभी लड़कियां विद्यार्थी हो, क्योंकि कई लड़के और कई लड़कियां अपने जीवन भर बिना विद्यार्थी बने ही रह जाते हैं, यानी अनपढ़ रह जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। वो कैसे, ये बीच में विद्यार्थी हैं और कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं राइट में, और लेफ्ट में कुछ लड़के विद्यार्थी हैं। तो इस प्रकार से आपके 30 क्वेश्चन हैं। आप कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, आप अपने सजेशन ज़रूर दें।